मशहूर मराठी डायरेक्टर रवि जाधव के निर्देशन में बनी फिल्म बैंजो आज सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में रितेश देशमुख और नरगिस फाकरी लीड रोल में हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है स्ट्रीट म्यूजिकल प्ले बैंजो ग्रुप से, जिसमें गणपति बप्पा का गाना बैंजो की धुन पर सुनने को मिलता है। फिल्म में तैराट भाई यानी कि रितेश एक स्लम एरिया का रहने वाला कैरेक्टर है, जो कि किसी लोकल लीडर के लिए पैसे वसूली का काम करता है। वहीं दूसरी ओर क्रिस यानी कि नरगिस फाकरी न्यूयॉर्क की निवासी रहती हैं, जिसे म्यूजिक से काफी प्यार है और वो बतौर अपना एक म्यूजिक एल्बम लॉन्च करना चाहती है। क्रिस बैंजो की धुन को सुनती है और उसी बैंजो ग्रुप की तलाश में अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के न्यूयॉर्क से मुंबई चली आती है। वहाँ उसे तैराट का साथ मिलता है और तैराट की मदद से वे उसी धुन के बैंजो ग्रुप को ढूंढने मुंबई के स्लम एरिया में निकल जाती है। इसी बीच क्रिस की तलाश में तैराट को क्रिस से प्यार हो जाता है। हजार कोशिशों के बाद क्रिस को जब अपनी तलाश नहीं मिल पाती तो वे वापस न्यूयॉर्क जाने का प्लान करती है और फिर तभी क्रिस को पता चलता है कि जिस ग्रुप की वो तलाश कर रही थी वो खुद तैराट और उसके तीन साथी हैं। पोस्ट इंटरवल में फिल्म दिखाती है कि क्रिस और तैराट के साथी बैंजो की प्रैक्टिस करने लगते हैं और एक बड़े मुकाम की तलाश में उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आखिरकार बैंजो ग्रुप को एक चांस मिल जाता है और अपने बैंजो की धुन से ग्रुप लोगों के दिलों में जगह बना लेती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब विरोधी टीम तैराट को गलत इल्जाम में फंसा देती है और तैराट को जेल हो जाती है। क्रिस किसी तरह उनकी बेल करवाती है और बाहर आने के बाद ग्रुप में आपसी मतभेद हो जाता है। इससे ग्रुप बिखर जाता है और क्रिस भी न्यूयॉर्क लौट जाती है। क्या क्रिस और तैराट की लव स्टोरी सफल हो पाएगी? क्या तैराट और उसकी टीम अपने मुकाम में सफल हो पाते हैं? ये बाकी की कहानी में नजर आता है। अब बात करें फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन और परफॉर्मेंसेस की, तो सबसे पहले फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले की बात करें, जो काफी कॉमन और ऑर्डिनरी थी। कुछ नयापन देखने को नहीं था इस फिल्म में। कैरेक्टर्स की बात करें तो कैरेक्टर्स वीक थे और काफी सारे सीन्स को इमैच्योर ढंग से पेश किया गया। फिल्म काफी लेंथी है, जो ऑडियंस को काफी जगहों पर बोर करती है। ये बात भी हजम नहीं होती कि एक सक्सेसफुल लड़की न्यूयॉर्क से एक धुन की तलाश में अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मुंबई आ जाती है। इस फिल्म में जो लव एंगल दिखाया गया है उसे भी बेहतरीन तरीके से पेश नहीं किया गया। क्रिस उर्फ नरगिस एक बैंड ग्रुप के मेंबर के किरदार में ढलती हुई नहीं दिखी और उनकी प्रेजेंस फिल्म में उनके बोल्ड एंड रिवीलिंग अवतार की वजह से ही नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ रितेश अपना किरदार बखूबी निभाते हुए नजर आए, हालांकि वो अकेले इस फिल्म को अपने बलबूते पर खींचने में सफल नहीं हो पाए और इसका मेन कारण रहा फिल्म की कमजोर स्क्रिप्ट और कैरेक्टराइजेशन। फिल्म की बाकी किरदारों ने अपना किरदार ठीक ठाक निभाया है। फिल्म में बैंजो इंस्ट्रूमेंट को बढ़ावा दिया गया है, जो फिल्म का एक नया बैकड्रॉप है। फिल्म के डायलॉग्स ठीक थे और स्लम एरिया की आम भाषा को बखूबी बोला गया है। फिल्म का म्यूजिक एवरेज रहा, हालांकि एक दो गाने हिट रहे। रवि जाधव चूंकि अपनी मराठी फिल्मों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, पर बैंजो जैसी हिंदी फिल्म में पहली बार डेब्यू करके वे अपेक्षाओं पर इतने नहीं खरे उतर पाए। ऑल ओवर फिल्म कंप्लीट एंटरटेनर नहीं थी। अगर फिल्म को बैंजो प्लेयर्स के रियल लाइफ पर फोकस किया जाता तो शायद फिल्म और बेहतर बन पाती। तो बॉलीवुड नजर की टीम की तरफ से हम देते हैं इस फिल्म को 1.5 स्टार। बचा के जाऊंगा उसी दिन उसी जगह, तू रोक के दिखा।